मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा और एक बहुत खतरनाक किस्म का सांस्कृतिक युद्ध भी इस देश में चल रहा है। सांस्कृतिक युद्ध क्या चल रहा है? अमेरिका ने जिस तरह से आर्थिक युद्ध करने के लिए हिंदुस्तान में पेप्सी कोला को भेजा, कोका कोला को भेजा, विल्स को भेजा या प्रॉक्टर एंड गैम्बल को भेजा, उसी तरह हिंदुस्तान में सांस्कृतिक युद्ध करने के लिए अमेरिका ने स्टार टीवी को भेजा, ESPN चैनल को भेजा, स्टार स्पोर्ट्स को भेजा, CNN को भेजा है, वी चैनल को भेजा है, एम चैनल को भेजा है। हिंदुस्तान में 15-16 विदेशी टीवी चैनल। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि जी टीवी क्या स्वदेशी है। जी टीवी में 51% पूंजी अमेरिका की लगी है। तो ये सारे के सारे टीवी चैनल एक साथ मिलकर हमारे ऊपर भयंकर किस्म का सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं। कैसा सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं आप पूछेंगे? सांस्कृतिक हमला ये हो रहा है कि आप जरा ये देखिए कि वी चैनल और एम चैनल पर आता क्या है रात दिन। एक ही तरह के गाने और एक ही तरह के गीत, जिनमें सिवाय सेक्स और सेक्स की अश्लीलता के दूसरा कोई विषय नहीं। एम चैनल और बी चैनल पर इसी तरह के गाने 24 घंटे। और इतने खतरनाक दोनों टीवी चैनल हैं एम चैनल और बी चैनल कि कोई तो संस्कारशील मां बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख नहीं सकते। या तो बच्चों को उठना पड़ेगा या मां बाप को उठकर जाना पड़ेगा। ऐसे घटिया और रद्दी टीवी चैनल हैं इनके गाने हैं, या फिर स्टार प्लस है या फिर जीस है। तो ये जी है या स्टार प्लस है, इन सब टीवी चैनलों पर कुछ तो आते हैं गाने, और गाने भी एक एक से फालतू के। और वो गानों के अलावा कुछ आता है तो सीरियल्स, और जितने सीरियल्स आएंगे स्टार प्लस पर या जी पर, आप देखेंगे हर सीरियल का एक ही थीम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। हर टीवी सीरियल का एक ही किस्सा होगा, किसी की पत्नी किसी के साथ भागी, किसी का पति किसी के साथ भागा, किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फंसा, किसी की प्रेमिका किसी के चक्कर में फंसी, एक महिला 10 पुरुषों के साथ फंसी हुई है, एक पुरुष 10 महिलाओं के साथ फंसा हुआ। यही सब फालतू फालतू बात जो भारतीय समाज में कभी संभव नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन दोनों पाप माने जाते हैं, संभव नहीं हमारे समाज। लेकिन वही टीवी सीरियल इस देश में रोज दिखाए जाते हैं जिनमें सिवाय पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन के अलावा कुछ नहीं होता। या फिर एक दूसरी थीम होती है हर टीवी सीरियल में, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, मां बेटी के झगड़े, दो पड़ोसियों के आपस के झगड़े, दो बिजनेस पार्टनर के आपस के झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के मरने के लिए सुपारी ले रहा है, कोई किसी को मरवाने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी का बिजनेस चौपट करने में लगा है, कोई किसी का बिजनेस चौपट करने में लगा। ये फालतू के सीरियल। आप जानते हैं कि पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन और ये परिवार के झगड़े, ये भारतीय समाज की बातें नहीं, ये सब अमरीकी समाज में होता है। पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन शायद ही अमरीका के किसी परिवार में ना हो, ऐसा परिवार वहां ढूंढना आपको मुश्किल होगा। जिन परिवारों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, अमरीका में ऐसे परिवार ढूंढना बहुत मुश्किल है। वहां की संस्कृति में ये रचा बसा हुआ है, और चूंकि ये वहां अमरीकी संस्कृति में शामिल है इसलिए तो बिल क्लिंटन ये करता है। और बिल क्लिंटन ये सब करते हुए भी अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है, क्योंकि अमेरिका की प्रजा ये सब करती है तो राष्ट्रपति भी करता है। और इसलिए चूंकि वहां की संस्कृति में ये सामान्य बात है तो हिलेरी क्लिंटन कभी लात मार के उसको घर के बाहर नहीं निकालती, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब तो कॉमन बात है, हिंदुस्तान में ये नहीं चल सकता, यहां तो परिवार टूट जाएगा। जरा भी शक हुआ पति को पत्नी पर या पत्नी को पति पर तो परिवार एक नहीं रह सकता, यहां टूटेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहां ये संभव नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में तो यह है कि एक बार पति पत्नी की शादी हो गई तो तोड़ें कैसे, यही नहीं समझ में आता, तोड़ना नहीं आता लोगों को।
और आप गांव में चले जाइए, महिलाओं से पुरुषों से बात कर लीजिए कि शादी हो गई जी, वो तो 7 जन्म पहले कहीं तय हो गई थी हमारी, तो हो गई बस। देखा हो पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को, कोई जरूरी नहीं है, हो गई है। यहां तो विश्वास पर चलता है ना सब कुछ, और विश्वास के अलावा सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि ईश्वर ने कराया है तो ठीक ही कराया होगा। तो यहां की संस्कृति तो बिल्कुल फर्क है, ईश्वर ने कराया होगा तो ठीक ही कराया होगा, हमारे मां पिता ने कुछ किया है तो ठीक ही किया होगा, वहां तो कुछ ऐसा होता नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं होता है। वहां तो विश्वास क्या होता है, 20 साल पति पत्नी साथ रह के नहीं समझ सकते, अमरीका में एक ही चीज के लिए परेशान होते हैं वहां के पति पत्नी, एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाते, हमेशा शक, हमेशा शक। तो इसलिए क्या होता है, सवेरे शादी, शाम को तलाक, दूसरे दिन शादी, फिर तलाक, फिर शादी, फिर तलाक, तो खेल है वहां तो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में से इसी तरह की सभ्यता निकलती है, इससे ज्यादा अच्छी सभ्यता निकल नहीं सकती वहां, तो है वहां पर। और टीवी चैनल जितने वहां चलते हैं, सेक्स की बातें दिखाते हैं या सेक्स की अश्लीलता दिखाते हैं, तो उसका नतीजा भी है, 12-13 साल में लड़कियां मां बनती हैं, 14 साल में लड़कियां मां बनती हैं, वहां चलता है। और जिन लड़कियों को स्कूल जाना होता है और उनके बच्चे भी साथ में होते हैं, उनके लिए स्पेशल किस्म के स्कूल अमरीका में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां की सरकार को मालूम है कि यह सब होने ही वाला है समाज, यहां तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये मैं तो यूरोप में देख चुका हूं, बहुत सारे देशों में घूमते घूमते एक बार मेरे मन में अचानक से प्रश्न आया कि ये यूरोप के देशों में रक्षाबंधन क्यों नहीं होता। एक दिन मैंने ऐसा सोचा अपने मन में, आप कहेंगे बहुत बेवकूफी का प्रश्न, लेकिन मैंने सोचा कि ये रक्षाबंधन क्यों नहीं होता, भाई बहन तो होते ही हैं, परिवार तो होता ही है, भले ही वो अधकचरा हो, अपसंस्कृति वाला हो, लेकिन परिवार तो है, भाई बहन तो, लेकिन रक्षाबंधन क्यों नहीं। तो सोचते सोचते एक दिन मैं निष्कर्ष में पहुंचा कि जिस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या परस्त्री गमन, परपुरुष गमन ही समाज का मुख्य हिस्सा हो, वहां रक्षाबंधन हो कैसे सकता, क्योंकि रक्षाबंधन तो उसी देश में हो सकता है जिस देश में किसी माँ ने बचपन से सिखाया हो कि देख, किसी की बहन तेरी बहन है, किसी की बेटी तेरी बेटी है, किसी की माँ तेरी माँ है, ये तो उसी देश में संभव रक्षाबंधन, ये अमरीका में कैसे हो सकता, यूरोप में कैसे हो सकता। और अमेरिका और यूरोप में ये इसलिए भी संभव नहीं है कि बहुत बार तो वहां ऐसे किस्से होते हैं कि भाई ने बहन के साथ बलात्कार किया या बहन ने भाई के साथ संसर्ग किया, ये तो होता ही रहता है अमेरिका में, यूरोप में भी होता, कैसे संभव है रक्षाबंधन हो जाए वहां, क्योंकि रक्षाबंधन होता है वो सिर्फ भागा नहीं होता है, वो बहन पवित्रता की एक डोर बांधती है भाई की राहत पर कि जवान भाई और जवान बहन के आपस के रिश्ते क्या होंगे, वो तय करता है रक्षाबंधन। तो बहन जब कलाई पर राखी बांधती है तो भाई से ये अपेक्षा करती है कि ये कलाई पर राखी नहीं है, ये पवित्रता की एक डोर है, तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति हमेशा पवित्र भाव ही होना चाहिए, इसलिए तो रक्षाबंधन होता है। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने ऐसे ही रक्षाबंधन नहीं निकाला है, उसके पीछे बहुत गहरा चिंतन होगा, अमरीका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, क्योंकि समाज में इस तरह की संस्कृति नहीं है। और जिस समाज की अपनी संस्कृति नहीं है, या उजाड़ संस्कृति है या अपसंस्कृति है, उसी अपसंस्कृति को हिंदुस्तान में घुसेड़ा जा रहा है, स्टार टीवी, जी टीवी, सीएनएन, एटीएन, प्राइम स्टार, प्राइम स्पोर्ट्स, और हिंदुस्तान के लोग बेवकूफों की तरह से बड़ा गर्व महसूस करते हैं, हमारे घर में केबल कनेक्शन है, अरे सत्यानाश हो आपका, घर में केबल कनेक्शन क्यों लिया है, ये क्या काम का है केबल कनेक्शन। आपको अगर यही सीखना है परस्त्री गमन कैसे करना, पर पुरुष गमन कैसे करना, तो अच्छा है कि केबल कनेक्शन बंद कर दीजिए, अमेरिका में जाकर रहिए, समझ में आ जाएगा, काहे को ले लिया ये केबल कनेक्शन। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, राजीव भाई उसमें से ज्ञान मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है, 1% ज्ञान मिलेगा, 99% आपको उल्टी बातें, तो ज्ञान तो याद नहीं रहता, फालतू की बातें याद रह जाती, क्योंकि आदमी के चरित्र की विशेषता है ये कि गिरता जल्दी है, उठने में देर लगती, फिसलने में समय नहीं लगता, फिसलने में, गिरने में, रपटने में, कहीं दुष्चक्र में फंसने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अपने आप को नीचे गिरे हुए से उठाने में बहुत समय लगता है, तो ज्ञान लेने में समय लगता है, लेकिन फालतू बातें सीखने में बिल्कुल समय नहीं लगता। बच्चे सीख रहे हैं रोज, इस तरह के टेलीविजन चैनल देख देख कर आज इस देश के बच्चे 10-10, 11-11, 12-12 साल में जिस तरह की बातें करने लगे हैं, सुनकर हैरानी होती। कई बार मुझे अफसोस होता है कि इस देश के बच्चे बचपन में जवान हो रहे हैं इस तरह के टीवी सीरियल देखकर, और हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और एक पराई संस्कृति में, विदेशी संस्कृति में रहने को गौरव महसूस कर रहे हैं, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है।
जब आप अपनी संस्कृति की जड़ों से कट जाएं, एक पराई और विदेशी संस्कृति में जीना शुरू करें और आप माने कि यही हमारे लिए तरक्की है, यही विकास है, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। आपको तो अपने पराये का भेद भी खत्म हो गया होगा तब। इसी को मैं सांस्कृतिक आक्रमण मानता हूं। ये तीन चार तरह के खतरनाक आक्रमण इस देश में, एक तो राजनीतिक आक्रमण है, दूसरा आर्थिक आक्रमण है, तीसरा सांस्कृतिक आक्रमण है और एक तकनीकी आक्रमण है। अब प्रश्न यह है कि जिस तरह हमारे देश की सीमाओं पर रहने वाले जवानों ने इस देश को राजनीतिक आक्रमण से बचाया, एक एक इंच जमीन की रक्षा की, भले ही अपनी जान दी, तो अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है कि हम इस देश को आर्थिक और सांस्कृतिक आक्रमण से बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते। ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि इस देश की सीमा पर लड़ने वाले सैनिक सारे युद्ध नहीं लड़ सकते, वो राजनीतिक युद्ध लड़ सकते हैं। दुश्मन ने आपकी जमीन छीनी तो छीनकर वापस ला सकते हैं, लेकिन दुश्मन ने अगर आपका पैसा छीन लिया, दुश्मन ने आपकी संस्कृति को छीन लिया, वो वापस लाने का काम सेना नहीं कर सकती, वो काम आपको करना होगा। सबकी जिम्मेदारी बटी होती है समाज में। बाप का फर्ज बाप अदा करता है, माँ का फर्ज माँ अदा करती है, भाई का फर्ज भाई अदा करता है, बहन का फर्ज बहन अदा करती है। सबके अलग अलग कर्तव्य होते हैं, सबके अलग अलग फर्ज होते हैं। तो हमारे सैनिक जो सीमा पर लड़ रहे हैं, उनके कुछ कर्तव्य हैं, उनके कुछ फर्ज हैं, वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं। तो हमें अपने बारे में सोचना होगा कि हमारे जो कर्तव्य और फर्ज पूरे करने चाहिए। तो आपका एक ही फर्ज और कर्तव्य इस समय बचता है, वो है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बचाना या राष्ट्र को आर्थिक युद्ध से बाहर निकाल कर लाना और राष्ट्र को सांस्कृतिक युद्ध से बाहर निकाल कर लाना। तो आप पूछेंगे, ये आर्थिक युद्ध से देश को बाहर कैसे निकालें, सांस्कृतिक युद्ध से देश को बाहर कैसे निकालें? आर्थिक युद्ध और सांस्कृतिक युद्ध से देश को बाहर निकालने का रास्ता एक डायनामाइट बम के सामने से होकर गुजरता। जैसे हमारे देश के सैनिक बम इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को मारने के लिए, वैसे ही हमारे पास एक बम है दुश्मन को मारने के लिए, और उसका नाम है बहिष्कार, बॉयकॉट। बॉयकॉट वो डायनामाइट है, बहिष्कार वो बम है जो दुश्मन के बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। इसी बहिष्कार की ताकत पर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भागना पड़ा था। 1905 में यही बहिष्कार आंदोलन लोकमान्य तिलक ने चलाया था, 1907 में सावरकर ने चलाया, 1915 में गांधी जी ने चलाया। इसी बहिष्कार के आंदोलन की ताकत पर अंग्रेज भागे थे। तो वही बहिष्कार का आंदोलन अगर हम फिर से चलाएं तो ये दुश्मन देश की कंपनियां भी भागी। तो आपको अपना फर्ज निभाना है। माने कि दुश्मन देश की कंपनियों का सामान खरीदना बंद, अगर हम दुश्मन की कंपनियों का सामान खरीद रहे हैं तो अपने राष्ट्र से गद्दारी ही कर रहे हैं। तो आप